गुड आफ्टरनून गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आपका वही है उन प्यारे व्यूज में। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि मैं जब आया था, लेकिन भाई साहब इन व्यूज से मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं सोच रहा था कि चले आगे जाते हैं कि क्या होता है। यार जो मंकीज है ना, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे यार शरारतें कर रही है। ऊपर है और बड़े बड़े पत्थर गिरा रही है, बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी दो तीन पत्थर गिरे तो लग रहा है आसपास होगी। भाई साहब बच के रहना पड़ेगा। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर यार ऊपर से गिरा रही हो, पर नीचे नज़ारे यार। अच्छा अब इस तरह करते हैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा करते हैं ना, आग लगाते हैं। मैंने अपने साथ वो चीज़ जो लेके आया था, तो इससे फ़ायदा उठाते हैं यार, क्योंकि हाथ मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। तो चले कुछ लकड़ियाँ ये वगैरह अपने साथ ये तोड़ेंगे यार। मेरे ख्याल में चले लेके यहाँ पे एक, ये तो एक ये तो हो गया, एक ये हो गया। और भाई साहब थोड़ा सा आग सीख रहा हूँ, आग तो नहीं है लेकिन फिर क्या कर ले यार। भाई बहुत मुश्किल से यार, हवा बहुत तेज है तो आग नहीं जल रही, लेकिन भाई साहब बहुत मजा है यार। तो भाई साहब अगर आप स्वात से के एरिया से है तो शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इन इलाकों में ज़्यादातर लोगों का मतलब जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो बड़ा थोड़ा सा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि स्पेशली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सीजन्स में आते हैं। गर्मियों पे यहाँ पे होते हैं, अभी ये जून जुलाई हो जाएगा ना, जून जुलाई भी नहीं अप्रैल हो जाएगा, तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहेंगे और अक्टूबर तक रहेंगे, नवंबर जब हो जाएगा नवंबर तक भी रहते हैं, दिसंबर में फिर चले जाते हैं, क्योंकि नवंबर तक भी यहाँ स्वात के इन इलाकों में बड़ी मुश्किल से बर्फ़ होगी। तो लोगों का यार आना जाना, ये माइग्रेशन नहीं, ये बड़ी मुसीबत होती है। मतलब अपने पूरे बिस्तर मतलब बहुत मुश्किल होता है यार। जस्ट एज्यूम कीजिए, अगर हम होते तो क्या ये आसान होता कि हम अपने बच्चे छोड़कर मतलब सब को, तो कि हम अपने बच्चों को साथ ले, अपने गाय भैंस जो माल मवेशी है इनको हम अपने साथ लेके, मतलब पूरा ट्रक वक सामान हो, मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ही नहीं, इन गलियों तक कोई भी नहीं आता, यहाँ तक कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे कोई नहीं होता यार। आप पैदल आना आप मुश्किल है, तो आप किस तरह बात कर रहे, मुश्किल है यार। तो भाई यहाँ, तो भाई साहब, तो डियर यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा घर है। और आप सुन, आपको ये पता नहीं मैं किस तरह दिखाऊं कि यार ऊपर भी बहुत ज़्यादा घर है, और अगर मुमकिन हुआ ना तो मैं आगे तक जाऊँगा यार। हैरान हो जाएंगे कि इन गलियों में, सॉरी इन पहाड़ों में आप हैरान हो जाएंगे कि इन पहाड़ों पे लोग किस तरह देखते हैं, मतलब इस नीचे ज़िंदगी किस तरह मुमकिन है। और ये मैं भूल रहा था, उस साइड पे भी काफ़ी घर हैं यार, मुमकिन किस तरह है, मैं हैरान हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। मैं आई एम श्योर कि मैं उस जगह से आगे जाऊँगा तो वहाँ पे भी मुझे घर दिखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने अगर मौका मिला तो मुझे पता है यहाँ पे आगे कुछ सीन्स ऐसे लगे कि घर बसे कि मैंने जाना मुनासिब समझा, तो सीजन में ही आए। और मैं अगर इस जगह को छोड़ जाता तो दिल पे एक अरमान होता कि यार स्वात में एक इलाका आप छोड़ गए हैं। यकीन जानिए यहाँ पे मज़े ही मज़े होते हैं, यहाँ पे घर नहीं है, और अगर घर हैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई रहता होगा। अभी इन गांवों को बहुत लोग छोड़ गए हैं क्योंकि सीजन्स में आएंगे, यहाँ पे बर्फ़ और यहाँ पे टेम्परेचर -2, -3 और -5-6 तक चला जाता है। तो भाई साहब ये इस गांव का मेन विलेज मतलब मेन पुल है, और ये भी उसी तरह लकड़ियों से बना हुआ है यार, लेकिन भाई साहब बड़े ख़तरनाक लेवल का है, हिल रहा है। अरे भाई साहब यार हिल रहा है सीरियसली।
भाई सीरियसली के ऐसे नज़ारे मतलब देखे हैं लेकिन इस लेवल के नहीं देखे थे यार, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ की जो मंकीज है ना यार, आई कंटेक्ट नहीं बना रहा हूँ ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा है, छोटे हैं और मतलब थोड़े से अजीब टाइप है यार, बड़े भी नहीं है छोटे भी नहीं है, थोड़े से मतलब बड़े बड़े बाल वाले, बड़े अजीब है यार, अरे कुत्तों जैसे यार, अजीब है यार। तो भाई साहब मैं रिकमेंड करना चाहूँगा भी और रिकमेंड नहीं भी करना चाहूँगा, मौसम के लिहाज से देखा करें, मतलब कि मौसम किस तरह है, अगर मौसम अच्छा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन भाई साहब मौसम ख़राब होने की वजह से मुश्किलात होंगी। तो यहाँ सबसे बेस्ट तरीका जो है इस गांव तक जो जिसका नाम है, मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया मैंने आपको, याद आपको होगा मैंने आपको बताया कि इस गांव का नाम है, भाई अभी थोड़ा सा स्टे करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और उन मंकी से थोड़ा सा आगे आया हूँ ना, अभी इस तरह करते कि साइड पे बैठते हैं, चले वो पत्थर बड़ा सा पत्थर है उसके नीचे बैठेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, यार बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अजीब सी भूख लगी है। तो अपने साथ काफ़ी चीज़ें मैं लेके आया था, अभी आपको बताता हूँ मैं, और सेब लेके आया था जो ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दुकानें बहुत कम होती है यार, बहुत कम दुकान। तो ये मेरा ख्याल में मेरा अच्छा प्लान था कि मैं अपने साथ चीज़ें ले आया था, वरना बहुत मुश्किल होता यार। और बाकी सीन ऐसे है ना कि मैं आपको क्या ही बताता चलूँ, मैं अपने साथ जूसेस लेके आया था, ये जूस वगैरह लेके आया था, कुछ और नीमकू वगैरह थी कि मैं मतलब इससे रास्ते में बड़े आसानी से मैं इसे काट सकता हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। कि एक चीज़ आई एम नॉट श्योर कि इन घरों में कोई होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में ये खाली है। और हर जगह यार अजीब अजीब परिंदों की आवाज़ है और मंकीज नज़र आ रही है, ऊपर बादल, हर जगह पे इतनी ऐसी अजीब सी खुशबू है ना, मतलब कि अजीब सा है, हर मतलब प्लांट्स अलग टाइप के हैं, स्प्रिंग सीज़न है और बर्ड्स की जो किस्में हैं वो बिल्कुल यूनिक टाइप के हैं। और यार अभी अभी मतलब कम अज़ कम ये 50-60 ग्रुप जो था वो बर्ड्स का मुझे नज़र आया, बड़ा प्यारा था, मैं कुछ खा रहा था इस चट्टान के नीचे बैठा था। तो भाई साहब थोड़ी सी इंजॉय करते हैं और फिर नीचे मिलते हैं यार, बहुत हो गया, शाम हो गई। तो भाई जो आपने अभी क्लिप में देखा ना, ये मेरा होम स्टे था, कि मैं किस तरह मैं अपने विलेज से मतलब जिस जगह में मैंने घूमा, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी वहाँ पे यार, के लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग किस तरह रहते हैं और इन पहाड़ियों में लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, सीरियसली बड़ा यूनिक लगा। और यकीन जानिए वहाँ पे उस जगह को विज़िट करने के बाद दोबारा मेरा मन नहीं किया, वरना मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गया था। अभी मैं आया, जानजेब भाई एक बंदा है, और जानजेब ना इसको मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, उनके साथ मैं ठहरा, और भाई साहब ऐसे व्यूज़ है ना, ऐसे व्यूज़ मतलब यार के सुबह मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो भाई किस तरह आपको लगी ये वीडियो, बड़ी मुश्किल से बनाई थी यार, इतना थका देने वाला सफ़र था ना, जो जब्बा जो एक एरिया है, जब्बा है यार, अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ इस नाम से, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा थका दिया है आज उसने। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, इस पूरे विलेज में जितना भी पूरा विलेज हमने आपने घूमा ना, इन सब में अपना ही जनरेटर वाला सिस्टम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जिसे कहते हैं ना, पूरा अपना सिस्टम होता है, मतलब ठीक है, मतलब उस जो इसने भाई ने जो बात बताई ना मुझे अभी नीचे गया है, तकरीबन कि हम 50% इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं, मतलब जो अब हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हम खुद बनाते हैं इससे पूरा सीन। और इसने ये भी बताया साथ साथ में कि तकरीबन इस पे 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। ये सच बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेस्ट होम स्टे रहेगा, कि मतलब होम स्टे हालांकि पाकिस्तान में बहुत कम होते, ना के बराबर होते, और वो होम स्टे इस तरह नहीं होंगे कि आपको होम का एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब अंदर जाके उन मतलब उनके फैमिली के साथ मिलके इस तरह का सीन, तो
मेरे ख्याल में रेयर होगा, बड़ा बड़ा रेयर होगा। हाँ, केपीके में तो कम से कम नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको वो फैमिली वाला माहौल यहाँ पे मिलेगा, आप सब हुजरे में बैठे होंगे और वो सीन आपको ज़रूर मिलेगा। तो यार मेरी ज़िंदगी का बेस्ट होम स्टे है आज, हालांकि मैं सो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे, सुबह इसका होम स्टे दिखाते हैं यार कि मैं किस जगह पे हूँ। तो चले मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी मतलब पेट पे भी दर्द थे और हर जगह पे दर्द वर्द थे, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा था कि मैं जबा विलेज से आया था, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो चले अभी के लिए गुड नाइट, सुबह सवेरे मिलते हैं और आपको इस जगह के पूरा सीन दिखाता हूँ कि भाई साहब मेरा होम स्टे किस तरह था। और भाई साहब आज का आशियाना मेरा आज यही है, सर्दी बहुत है यार, और कानों में वही वो पानी वाला शोर जो मतलब पिछली वीडियोस में अभी आपने देखा था ना, कि हर जगह पे स्प्रिंग्स, हर जगह पे वाटरफॉल्स और नदियाँ तो बहुत ज़्यादा शोर कर रही, लेकिन आदि होना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं सुबह के, क्या सीन रहता है, सर्दी बहुत है यार, सुबह मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट।